हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस। एंड टुडे आई एम डिस्कस रोटामीटर। रोटामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 नंबर से ज़्यादा ही आता है, कम में नहीं आता है ये। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज पढ़ेंगे इसका, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो रोटामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। रोटामीटर का एक और अलग नाम से भी आता है इसका, एरिया मीटर। इसको एग्जामिनर लोग घुमा के पूछ लेते हैं तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एरिया मीटर या रोटामीटर कुछ भी आए तो आप लोग यही लिखिएगा। अगर इसका नोट्स चाहिएगा आप लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, अंकित चतुर्वेदी लेक्चर आप साइंस सर्च करिए, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए प्रिंसिपल को हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्लूड फ्लो थ्रू द रोटामीटर द फ्लूइड राइजेज एंड फॉल बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, रोटामीटर के माध्यम से द्रव प्रवाह के दौरान फ्लूइड बढ़ जाता है और प्रवाह में भिन्नता के कारण गिर जाता है। द हेड लॉस अक्रॉस द एनुलर स्पेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनुलर स्पेस है में हेड का नुकसान होता है, अब प्लूमेट के वजन के बराबर हो जाता है। द अपर एज ऑफ प्लूमेट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड द रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, प्लूमेट के ऊपरी के किनारे का उपयोग रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। दिस वैल्यू इंडिकेट ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड प्रवाह के दौरान काम करता है, वर्क करता है, ये कम करता है, इसको इंडिकेट करता है। कंस्ट्रक्शन अब इसका देखिए। रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल टैप एंड ट्रांसपोर्ट ट्यूब इन विच फ्लूइड इज प्लेस्ड। इट हैज लाइनर स्केल। लाइनर स्केल होता है। इसका फिगर देखिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आप लोग बना के उसको समझ लें तो आपका कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसका फिगर यही है, देखिए ऐसे ही बनेगा, नीचे से फ्लो होता है। ये हो गया हमारा टेपर ट्यूब। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये फ्लूइड, या बोलेंगे इसको फ्लूइड, ठीक, यही हमारा है ये। और अगर इसको लिखना चाहेंगे थोड़ा सा और, तो इसको लिख लेंगे हम, देखिए। द डायमीटर ऑफ फ्लूइड स्मॉलर देन नैरोड पार्ट। सेकंड पार्ट लिख देंगे, फ्लोट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ अवेलेबल। अब हम इसके आते हैं वर्किंग पे। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन इसका हो गया। वर्किंग देखिए, द फ्लूइड सराउंडेड बाय फ्लूइड राइजेज एंड फॉल डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फ्लो। द ग्रेटर द रेट ऑफ फ्लो देन हायर फ्लूइड राइजेज इन द ट्यूब। यूजेज इसका देख लीजिए। वर्किंग बस इसका इतना ही है, आप लोग इतना लिख देंगे तो एकदम अच्छे से पूरा नंबर मिलेगा। यूजेज इसका, यूज कहाँ पे होता है, देखिए यूज, इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका यूज केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। इनफर्मेंटेस सप्लाई ऑफ एयर इज कंट्रोल बाय रोटामीटर। फर्मेंटेस में एयर को कंट्रोल करके सप्लाई करता है बाय रोटामीटर में। इट इज यूज फॉर बोथ गैस एंड लिक्विड। डिसएडवांटेज इसका कोई खास होता नहीं, इसलिए इसका डिसएडवांटेज लिखें या ना लिखें, डिसएडवांटेज यूज की बात, बस इसका एडवांटेज लिख दें, बस हो गया। इट गिव्स डायरेक्ट विजुअल इंडेक्स ऑफ फ्लो रीडिंग। इट कैन बी यूज्ड एनी पॉइंट ऑफ लाइन। बस आप लोग इतना इसको लिख लीजिए, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज एंड डिसएडवांटेज। तो रोटामीटर का बस आप लोग इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी पीडीएफ में मिल जाएगा
हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।